गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी सुबह का समय है तो सुबह मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ते में मैं आज आलू के पराठे बनाऊंगी। तो मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया है और उसका छिलका मैं निकाल चुकी हूँ। तो मैंने इसे एक चमचे की मदद से सारे अच्छे से मैश कर लूँगी आलू को, ताकि उसमें कोई गुलठी ना रहे। और क्योंकि गुलठी रहेगी तो हमारे आलू के पराठे फट जाएंगे। तो मैं बहुत अच्छे से इसको मैश कर लूँगी आलू को। और फिर मैंने इसमें पहले नमक स्वाद अनुसार डाला है, और फिर चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा अमचूर पाउडर है, और लाल मिर्च और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, और धनिया पाउडर। तो बस इन सबको अच्छे से मिक्स करके आटा मैंने पहले ही गूंद के रखा हुआ है। तो इसके बाद सीधे मैं पराठे बनाने स्टार्ट कर दूँगी। भाई सुबह का समय रहता है तो सभी को जल्दी जल्दी रहती है और सबको गरम गरम चाहिए। तो मैं इधर बनाती भी जा रही हूँ, सबको देती भी जा रही हूँ गरम गरम पराठे। तो आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। तो मेरा नाश्ता भी हो गया तैयार, सब लोग कर भी चुके हैं और अब मैं कर लूँगी नाश्ता। तो मैं भाई आप लोग कैसे खाते हो आलू के पराठे बताना ज़रूर, किसके साथ खाते हो। मैं तो दही के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को किसके साथ अच्छा लगता है ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। तो बस हो गया, आ जाइए आप लोग भी। तो अभी अभी 11 बजे का समय है, बच्चे सब अपना मस्ती कर रहे हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। यहाँ पे स्कूल की सभी स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं, तो बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं। देखिए आप लोग भी। तो बस फिर मैं इसके बाद लंच की तैयारी करूँगी। और लंच में मैं आज आलू और परवल की सब्ज़ी बनाऊँगी। दाल और चावल मैंने बना लिए हैं, तो मैं इसलिए दाल चावल बनाते हुए आपको दाल चावल रोटी वगैरह नहीं बनाते हुए दिखाऊँगी। सभी को घर में वैसा ही बनता है, तो उसको क्या मैं बार बार ब्लॉग में दिखाऊँ। तो सब्ज़ियाँ बना रही हूँ, इसलिए सब्ज़ी बनाते समय ही रिकॉर्ड कर पाई हूँ, उससे पहले नहीं रिकॉर्ड किया ज़्यादा मैंने। तो यहाँ आलू परवल की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने आलू को और परवल को पहले फ्राई कर लिया है, और फिर मैंने जो एक्स्ट्रा ऑयल रहता है, वैसे ज़्यादा ऑयल नहीं था, तो मैं उतने ही ऑयल में फिर मैं तड़का लगा दूँगी। तो जीरा डालूँगी पहले से, जीरा डालने के बाद फिर मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज को मैं ब्राउन कर लूँगी, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करती हूँ मैं वैसे भी सब्जियों में प्याज को ज़्यादा। और मसालों में मैं यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर, जो डेली मसाले पड़ते हैं सारे वही हैं, हल्दी मिर्च गरम मसाला धनिया लाल मिर्च पाउडर। तो आप लोग भी वही डेली मसाले लेना चाहे तो वही यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये पानी डाल के मैंने इसका घोल तैयार कर लिया है। तो इसमें डाल दूंगी मैं प्याज, मेरी हल्की सी ब्राउन हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और थोड़ा और पानी डाल के इसको पकने दूंगी अच्छे से मसाले को। और फिर मैंने टमाटर और लहसुन उसमें अदरक इकट्ठा एक साथ ही मैंने मिक्सी जार में पीस लिया था, तो उसको भी मैं मसाले पकने के बाद इसमें ऐड कर दूँगी। तो इसके बाद पकने दूँगी मसाले को अच्छे से। मसाले को करीब 5 मिनट तक, 5 से 10 मिनट अच्छे से पकाइए, ताकि सब्ज़ी में अच्छा टेस्ट आए, क्योंकि मसाले में ही टेस्ट आता है। फिर
मसाले अच्छे से नहीं पकेंगे तो सब्ज़ी में टेस्ट भी नहीं आएगा। तो सब्ज़ियाँ तो फ्राई है मेरी, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा फिर, और सब्ज़ी मैं सूखी ही बनाऊँगी। आप लोग चाहें तो अगर रसे वाली बनाना चाहते हैं पानी ज़्यादा ऐड डालिए। तो मैंने जितना मसाले में था बस उतना ही ऐड करूँगी, इसमें मैं पानी ऐड नहीं करूँगी अब। और फिर इसमें नमक डाल के इसको ढक के रख दूँ, ढक दूँगी इसे थोड़ी देर, 5 मिनट और पकाऊँगी। तो बस मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई। बाकी दाल और चावल मैंने पहले ही बना लिए हैं, रोटी भी बना ली है, रोटी बाद में बनाऊँगी, लेकिन दाल चावल वगैरह सब कुछ मेरा लंच भी हो गया तैयार बढ़िया। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और अभी बज रहे हैं, अभी शाम का समय है, तो मैंने मॉर्निंग से व्लॉग चालू किया था लेकिन आप लोगों से बात नहीं कर पाई। तो आप लोग समझ सकते हो भाई कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ भाई, क्योंकि मेरे को ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है बात करने का। व्लॉग का क्या है कि मैंने मोबाइल लगा दिया, वीडियो रिकॉर्ड होता रहा, तो बस समझ सकते हो भाई। आप लोग फ्रेंड्स हो तो ज़रूर समझोगे मेरी प्रॉब्लम को। तो और आप लोग बताइए भाई, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी आप लोगों की वीडियो को पूरा वॉच करने की कोशिश करती हूँ, पूरा नहीं भी कर पाती हूँ तो एटलीस्ट आधा तो ज़रूर ही उसको वॉच करती हूँ भाई। सभी की वीडियो को वॉच करना होता है, मेरे पास काम भी बहुत होता है तो इतना समय नहीं मिल पाता है, पर कोशिश ज़रूर करती हूँ। तो भाई आप लोग भी सपोर्ट करिए, मैं भी सपोर्ट करूँगी, तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। और आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है भाई, सभी को अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ना और सुनना अच्छा लगता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो और गाइस आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि लाइक करने से मुझे बहुत हौसला मिलता है कि हाँ मेरी वीडियो अच्छी है, और नहीं अच्छी है तो बताइए मुझे, मेरी कमी है तो कुछ तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। बाकी कोशिश कर रही हूँ भाई, मैं भी सीख ही रही हूँ, अभी बहुत ज़्यादा नहीं आता है तो, लेकिन एक प्रयास कर रही हूँ, हो सकता है ठीक होगा, धीरे धीरे होगा। और आप और भाई आप लोगों का साथ रहा तो ज़रूर कोशिश पूरी होगी मेरी। तो बस इतना ही बात करूँगी। तो अभी शाम का समय है तो बच्चों के लिए जा रही हूँ नाश्ता बनाने, तो मैं बस आके ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, हो सकता है आप लोगों से बात भी ना कर पाऊँ ज़्यादा। तो इसके बाद ही मैं वीडियो का एंड भी कर दूँगी गाइस। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बगल में जो बेल आइकॉन आती है उसको भी प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बस, तो चलिए नाश्ता बनाते हैं, अभी शाम का समय है। तो भाई शाम का समय है, बच्चे मैगी मांग रहे थे तो फिर मैंने मैगी बना दी है। तो मैगी सभी को बनानी आती है तो मैंने इसलिए रेसिपी इसकी शेयर नहीं करी है, सिंपल सा है। तो ये बच्चे भी खाने के लिए निकाल दिया है तो खा रहे हैं बच्चे। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।